जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष मायावती लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में चुनावी दौरे शुरू करने वाली हैं। मायावती 17 अप्रैल को राजस्थान के अलवर में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी पार्टी ने अलवर से फजल हुसैन को टिकट दिया है। बीएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगी। कांग्रेस ने अलवर से मुंडावर के विधायक ललित यादव को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अब कुछ लोगों का मानना है कि बीएसपी पार्टी ने अलवर लोकसभा सीट से मुस्लिम प्रत्याशी फजल हुसैन को उतारा है। इससे कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अलवर शहर में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज़्यादा है। इससे वोट बढ़ सकता है। बीएसपी पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसमें नागौर लोकसभा सीट से डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौर को टिकट मिला है। धौलपुर करौली से विक्रम सिंह, सीकर से अमरचंद चौधरी, चूरू से दहीराम, बीकानेर से खेताराम, दौसा से सोनू धानका और जयपुर से राजेश तंबर को टिकट दिया है। इसी तरह भरतपुर से इंजीनियर अंजला, अलवर से फजल हुसैन, गंगानगर से देवकरण, कोटा से भीम सिंह कुंतल और जालौर से लाल सिंह राठौर को टिकट दिया है। अब बीएसपी पार्टी उम्मीदवार उतारने के साथ साथ रैलियों की तैयारी भी जोर शोर से कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जब 17 अप्रैल को अलवर में लोगों को एड्रेस करेंगी, तो उनको सुनने और देखने के लिए बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। राजस्थान में बीएसपी की चुनावी रैलियां जोरदार होने वाली हैं। बीएसपी पार्टी चुनाव जीतने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बीएसपी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक चुनौती भरा है। थैंक यू।